यहां तक भी जा सकता है। सिर्फ तेरे करीब रहने के लिए इसने आचार्य को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। हाँ बाबा, अपने पेरेंट्स और हमारे सामने प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट वाली बात को इत्तफाकन साबित करने के लिए शौर्य ने गांगुली की मदद ली। यही पहचान है शौर्य गोयनका की। जानवर है वो, जानवर बाबा। उसे जो चाहिए वो पाने के लिए वो किसी को भी, किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। 2 साल पहले शौर्य, आई लव यू। ऐसी लड़की को पटाने में तो कोई बड़ी बात नहीं। तू कहना क्या चाहता है? कि अगर कोई मैं तुलसी तेरे आंगन की टाइप की लड़की पर अगर तू अपना जादू चला सके तब माने कि शौर्य गोयनका क्या चीज है। एक ऐसी लड़की जैसे कि वो ये, अबे वो हमारे ड्राइवर की बेटी है वो, नित्या। हाँ तो तेरे ड्राइवर की बेटी है तो डर गया? शौर्य गोयनका को चैलेंज नहीं करना चाहिए। इस लड़की को मैं 1 हफ्ते के अंदर हासिल करके दिखाऊं। लग गई 1 लाख की बैट। शौर्य, अगर तू इस लड़की को 1 हफ्ते के अंदर अपने बैट तक ले गया मैं तुझे 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए दूंगा। चीयर्स मेट। इस तरह ये खेल शुरू हुआ था शौर्य गोयनका के लिए। ये सिर्फ एक खेल था अपने दोस्तों के साथ लगाई एक बेट जिसे जीतना जरूरी था अपनी इज्जत और शान बनाए रखने के लिए। इस खेल में एक हंसता खिलता परिवार तबाह होने वाला था, एक गरीब इज्जतदार बाप खत्म होने वाला था, ममता की मूरत मिटने वाली थी, 2 मासूम बेटियां जिसे मेहनत से पढ़ाया लिखाया उनकी जिंदगी में तूफान आने वाला था। नित्या, आप लोग जब कॉलेज पैदल जाते हो ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पूछ लूं। मैं रोज वही कॉलेज जाता हूं और मेरी गाड़ी हमेशा खाली होती है, तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। प्लीज आई इंसिस्ट। कम ऑन नित्या, पायल प्लीज दी, डोंट बी फॉर्मल, कम। उस दिन पायल और मैं शौर्य को एक जेन्युइन और अच्छा इंसान मानकर उसकी गाड़ी में बैठ गए। सब नाटक था उसका जिसे मैं समझ नहीं पाई। उन दिनों बाबा की मदद करने के लिए मैं एक रेस्टोरेंट में अकाउंट संभालने का काम करती थी। जल्द से जल्द बाबा के लिए घर खरीदने में उनकी मदद करना चाहती थी। तभी शौर्य ने अपनी पहली चाल चली। मैं तुम्हें डेट पे लेके जाना चाहता हूँ। सो यू आर लॉस्ट, आपने पी हुई है। चलना यार। डेट पे लेके जाने का इतना ही शौक है तो अपनी बीवी को लेके जा। ये लड़की यहाँ पर काम करती है, अकाउंट संभालती है, नहीं तू जैसों को देख जा उसे। हो सकता है वो बदतमीज कस्टमर शौर्य ने ही भेजा हो। उस वक्त शौर्य की हरकतों में फरेब है ये नहीं जानती थी मैं। नित्या, तुम ठीक तो हो? या, I'm fine. Thank you, शौर्य। नहीं जानती थी कि लोगों को पैसा देकर अपने मकसद को पूरा कराना शौर्य के लिए बाएं हाथ का खेल। यही गलती कर बैठी मैं अपने भोलेपन में। शौर्य की हरकतों पर यकीन कर बैठी मैं ही बेवकूफ थी। शौर्य मुझे इंप्रेस करने के लिए सब नाटक कर रहा था। उस दिन शौर्य का बिहेवियर देखकर लगा कि वो इंसान को पैसों से ज्यादा अहमियत देना सीख गया है।
और मुझे लगा वो बदल रहा है, जिम्मेदार बन रहा है। उसने जो दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया वो मुझे जेन्युइन लगा। नित्या, मैं जब तुम्हारे साथ होता हूँ, जैसे ही तुम्हें देखता हूँ तो एक अजीब सी खुशी महसूस करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही खुश रहूं। सॉरी शौर्य, मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। मुझे पता है नित्या, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज। मैं ही गलतफहमी का शिकार बन बैठी। क्या पता था दोस्ती का हाथ बढ़ाना एक चाल थी शौर्य के लिए, मुझे हासिल करने के लिए। मैं वाकई ये मानने लगी थी कि शौर्य को खामखा बदनाम किया जा रहा है, वो अंदर से एक अच्छा इंसान है। और फिर दुर्गा विसर्जन की रात। ये तो बैठ हार गया यार, आज तो दुर्गा माँ का विसर्जन भी हो गया, तेरी नित्या तो आई नहीं। हाँ याद है ना, आज लास्ट डे था, एक हफ्ता पूरा हो चुका है। लास्ट डे था नहीं, है अभी भी पूरी रात बाकी है, और नित्या सीधी यहाँ आ रही है। इस गोली को मैं नित्या के ड्रिंक में डालूंगा और नित्या सीधी मेरी बाहों में आके गिरेगी। नित्या, हे तुम इतनी जल्दी आ गई। इसकी इतनी औकात कि इसने तुझे थप्पड़ मारा, What's wrong with you? तू कुछ बोलेगा नहीं? अब इससे मैं दिखाता हूं कि उसकी क्या औकात है।